वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी अंडररेटेड एनाथोलॉजिस्ट शॉर्ट फिल्म्स के बारे में बात करेंगे जिनको मैंने हाल ही में ही ऑनलाइन कहीं देखा था। वेल बेसिकली ये वीडियो एक काइंड ऑफ सेपरेट सेगमेंट है जिसमें हम सभी ही हर ट्यूजडे कुछ वर्ल्ड की क्रीपी एंड काइंड ऑफ वियर्ड मैक्सिमम 2-3 एनाथोलॉजिक कॉन्सेप्ट डिस्टर्बिंग शॉर्ट फिल्म्स के बारे में बात करेंगे जिनको आपने मे भी कहीं देखा हो। बट अब यहाँ पर मेन सवाल ये आता है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप सभी प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि हमको इस टाइप के सेगमेंट को आगे लेकर जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटल वीडियो है जिसमें मैंने बेसिकली आज के लिए सिर्फ 2 ही एनाथोलॉजीज शॉर्ट फिल्म आप सभी के लिए पिक करी हैं। अब मुझे पता नहीं कि मुझे इस वीडियो का रिस्पांस क्या मिलेगा, बट बाकी आप सभी को ऊपर दिख रहे एक आई बटन में इसे ही सेगमेंट से रिलेटेड कुछ एकाध वीडियोस और मिल जाएगी जिनको आप सभी ही इस वीडियो के बाद या फिर कभी भी अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि उन वीडियोस के अंदर मैंने बताया है कि असली डिस्टर्बिंग मूवीज क्या होती हैं जिनसे आप सभी ही फिलहाल के लिए अनजान हैं, क्योंकि मेरा काम यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि आपको उन सभी ही मूवीज के बारे में भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग हमारी पहली कहानी से शुरू होती है जिसका नाम होता है डिफरेंट काइंड ऑफ गर्ल, जो कि एक इनसेन कहानी है। वेल हमारी पहली शॉर्ट फिल्म की स्टार्टिंग एक हॉस्पिटल की लेबोरेटरी को दिखाकर होती है जिसमें हम सभी ही इस लेबोरेटरी के अंदर एक जॉन नाम के डॉक्टर को बैठा देख पाते हैं जो कि ये कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर ठीक अपने सामने ही लगी ऑब्जर्वेशन रूम के थ्रू डिफरेंट साइड ऑफ द रूम बाथटब के अंदर बैठी हुई किसी अजीब से ही दिखने वाली लड़की के ऊपर रिलेवेंटली रिसर्च कर रहे होते हैं, जिसका कैजुअली स्किन का कलर इंटायरली व्हाइट होता है, जो कि देखने में और सुनने में कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब आप सभी जरूर ऐसा सोच रहे होंगे कि मैंने आखिर में इस लड़की को वियर्ड से दिखने वाली लड़की क्यों बोला। तो वेल इसका रीजन कुछ ऐसा है कि ये लड़की कोई नॉर्मल से दिखने वाली लड़की नहीं, बल्कि एक बड़ी ही खतरनाक सी एल गर्ल होती है जो कि एक कीचड़ के टब के अंदर बैठी हुई थी और बस डॉक्टर जॉन को ही घूरी जा रही होती है। सो एनीवेज, डॉक्टर जॉन वो कंप्यूटर पर उस लड़की के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, तो तभी ही ऑब्जर्वेशन रूम के अंदर बाथटब के अंदर बैठी वो लड़की वो इल गर्ल वो एकदम से खड़ी हो, जिसने लिटरली ऊपर से लेके नीचे तक कुछ भी नहीं पहन रखा था, रेलेवेंटली बिल्कुल ही न्यूड थी। ये अपने ठीक सामने दिख रहे डॉक्टर जॉन को उनके पास जा अपनी बॉडी के जरिए सेड्यूस कर बड़ी ही चालाकी से अपनी तरफ आने के लिए अट्रैक्ट करती है। वेल अब यहाँ पर ये इल गर्ल आखिर में किस लिए और क्यों डॉक्टर जॉन को अपनी तरफ ऐसे बुला रही है, तो इस बारे में आप सभी को अभी कुछ ही देर में अच्छे से पता चल जाएगा। सो एनीवेज, मीनवाइल ऑब्जर्वेशन रूम के बिल्कुल ही दूसरी तरफ खड़े डॉक्टर जॉन ये इस लड़के की इतनी पास से न्यूड बॉडी को देख अपने आप पे कंट्रोल न रखते हुए बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपने रूम से निकल एक अपने सामने ही खड़ी अनजाने में ही सही बट गलती से उसी ही अजीब से दिखने वाली लड़की के पास चले जाते हैं। तो खैर, फाइनली इस लड़के के इतने पास आते ही डॉक्टर जॉन ये इसके होठों पर किस करने के लिए ही जाते, तो तभी ही उससे पहले ये इल गर्ल डॉक्टर जॉन के हाथ पैरों को पकड़ जकड़ कर बुरी तरीके से अपने मुंह को फाड़ एक ही झटके में ऊपर से लेके नीचे तक नगल कर खाकर मार डालती है और फिर से उसी ही कीचड़ वाले बड़े आराम से बाथटब में जाकर बैठ जाती है। और बस हमारी ये शॉर्ट फिल्म एक डिस्टर्बिंग एंडिंग के साथ ठीक इधर ही एंड हो जाती है। एनीवेज, अब हम चलते हैं हमारी आज की लास्ट एंड फाइनल शॉर्ट फिल्म की तरफ जिसका नाम होता है द किसिंग। वेल हमारी शॉर्ट फिल्म की स्टार्टिंग एक हॉस्पिटल के मुर्दा घर को दिखाकर होती है जिसमें हम सभी ही इस मुर्दा घर के अंदर किसी पैट्रिक नाम के ऑटोप्सी कैडेवर डॉक्टर को देख पाते हैं। वो डॉक्टर जो कि बेसिकली मरे हुए लोगों की बॉडीज को एनालाइज कर पोस्टमार्टम के थ्रू रिपोर्ट निकालता हूँ। खैर एनीवेज, पैट्रिक वो हॉस्पिटल के मुर्दा घर के अंदर अपनी जॉब का एक्स्ट्रा टाइम करते हुए अकेले ही पूरे ऑफिस में बैठकर आज सुबह ही एक ब्रूटल एक्सीडेंट के दौरान मरी किसी जेनी नाम की लड़की का पोस्टमार्टम कर रहा होता है। तो जेनी का पोस्टमार्टम करते दौरान पैट्रिक को अचानक से इसकी न्यूड बॉडी को देखकर सडक्टिव फील होने लग जाता है, जिसमें पैट्रिक वो इसकी बॉडी को वियर्ड तरीके से टच करते हुए एक अपने सामने ही मरी हुई लेटी हुई जेन के साथ बातचीत करना शुरू कर देता है। तो बातचीत करते दौरान ही पैट्रिक ये एकदम से अपनी पैंट की पॉकेट से एक रेड कलर की लिपस्टिक निकाल लेता है। तो लिपस्टिक को ऐसे निकालती ही ये सीधा बस इसके होठों पे लगाने के लिए ही जा रहा होता है। तो तभी ही उससे पहले पैट्रिक वो जेनी के चेहरे और इसकी
पूरी बॉडी को सेकेंड डिके लगी हुई हालत में देख, इसकी बॉडी के कुछ पर्टिकुलर एरिया में बड़े ही घिनौने से कीड़े वगैरह लगे हुए थे। ये इसकी पूरी बॉडी को केमिकल की मदद से अच्छे तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक ऑकवर्ड तरीके से क्लीन वगैरह कर ठीक पास में ही पड़ी हुई एक कैची को ले जेनी की बॉडी के पब्लिक हेयर और सर के बालों को काट काइंड ऑफ अपनी ब्राइड बनाकर अपने हाथों में पकड़े हुए उसे ही लिपस्टिक को इंस्टेंटली इसके होठों पे लगा देता है। तो अब इस लिपस्टिक को ऐसे लगाने के बाद पैट्रिक वो बिना कुछ सोचे समझे इस मरी हुई लड़की को एकदम से ही वेर्ड तरीके से इसके होठों पर किस करना शुरू कर देता है। सो मीनवाइल अब काफी देर तक इस मरी हुई लड़की को ऐसे किस करने के बाद ये इसके होठों पे लगी इसे लिपस्टिक के सेट को हटा पैट्रिक को फाइनली जेनी का पोस्टमार्टम कर रेलेवेंट तरीके से इसके ऑर्गन्स निकाल उन सभी ही कटे हुए जगह पर टाके वाके लगा बस एक बर्निंग चैम्बर में ले जाकर जेनी को जलाने के लिए ही जा रहा होता है। तो तभी ही अचानक से पैट्रिक को ठीक अपने पीछे से किसी लड़की की बड़ी ही धीमी सी आवाजें सुनाई देने को मिलती है। तो जिसे सुन पैट्रिक वो डर कर पीछे मुड़कर इस बारे में देखने की कोशिश करता तो तभी ही ठीक उसको अपने आंखों के सामने जेनी खड़ी हुई दिखाई देने को मिलती है जिसका भी कुछ ही देर पहले पैट्रिक ने बहुत ही अच्छे से पोस्टमार्टम किया था। तो खैर अब इस अनसेटलिंग शॉकिंग सीन को देख पैट्रिक वो चिल्लाकर हॉस्पिटल में अपनी मदद के लिए किसी को बुलाने की कोशिश करता बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी इसकी मदद करने के लिए नहीं आता बिकॉज ऑब्वियसली इस समय हॉस्पिटल में कोई था ही नहीं। तो बस अब इसे ही बात को देखते हुए पैट्रिक ये सामने ही दिख रहे एक गेट से भागकर इस मरी हुई लड़की से अपनी जान बचाने की कोशिश करता तो तभी ही उससे पहले जेनी ये इस हॉस्पिटल की लाइट बंद कर पैट्रिक के हाथ पैरों को ब्यूटोल से मरोड़ के तोड़ एक उसे ही जलते हुए चैम्बर में डाल देती है जहाँ पर अभी ये इसको डालकर जलाने वाला था। और बस हमारी ये स्टोरी एक डॉक्टर के मुर्दा घर के अंदर अजीब मौत के साथ क्रीपी तरीके से ठीक इधर ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों अभी भी कुछ ऐसे शॉर्ट फिल्म्स हैं जिनको जैसा कि मैंने आप सभी को बताया आप सभी के रिस्पांस के बातें लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि हमको इस तरीके के सेगमेंट को आगे लेकर आना चाहिए या फिर नहीं। और समहाउ अगर आप इस तरीके की वीडियोस को देखने में जरा सा भी बिलीव करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वेल अगर आप इन दोनों ही शॉर्ट मूवीज को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी YouTube पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात कि ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है जिसको आपको देख कर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों यही थी हमारी आज की शॉर्ट फिल्म्स की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।